नालंदा में पुलिस वाले का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां एक मजदूर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मजदूर रो रो कर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा है और पीटने से पहले अपना कसूर पूछ रहा है। दरअसल पूरा मामला जिले के गिरियक थाना क्षेत्र के चिमनी भट्टा पर काम करने वाले एक मजदूर अशोक प्रसाद का है। करतीसराय थाना क्षेत्र के बिलारी गांव से मजदूरी कर वापस गिरियक मझनपुरा चिमनी लौट रहे थे, तभी सतवा नदी के पास गिरियक पुलिस की जिप्सी रुकी और इसे रोक कर पहले दो पुलिस वाले इनका एक एक हाथ पकड़ा और तीसरे ने लाठी से पीटना शुरू कर दिया। जब पीड़ित पुलिस वाले से अपनी गलती के बारे में पूछ रहा था तो उसे कुछ भी बताने से इनकार किया और टूटे हुए पैर पर ही डंडे से पीटता रहा। बिलारी से ईटा खाली करके आ रहे थे सर, वहाँ पर आए, सतवा गांव पड़ता है सर, वहाँ पर आए। उसके बाद मतलब दो को गाड़ी लगा था सर, वहाँ पर मतलब कि उधर से जीप फैला दिया सर। उसके बाद आगे बढ़े सर, उसके बाद फिर पुलिस जीप गाड़ी बैक किया सर, उसके बाद हमको आगे जाके ओवरटेक करके गाड़ी रोका दिया सर। उसके बाद मारपीट मेरा हमको करने लगा सर, हम बोले सर मेरा पैर मेरा सर राष्ट्रीय डंडिया ले सर, मेरा कम से कम सर इधर उधर मारे, मेरा वो पैर पर सर राष्ट्रीय डंडिया पर नहीं मारे ठीक। लेकिन प्रशासन ने सर दोनों हाथ मेरा पकड़ लिया सर, उसके बाद मेरा हमको पीटना स्टार्ट कर दिए सर। कोई गलती किए थे आप सर? कोई मेरा गलती कुछ नहीं सर, तब पब्लिक था और जनता था। इस घटना का वीडियो नालंदा में सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पुलिस कर्मी मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं। देशवा न्यूज के लिए नालंदा से महमूद आलम की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।